माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने कोरोना वायरस के चलते 3 माह पहले 12वीं के पेपर रोक दिए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 9 जुलाई से 12वीं के बचे हुए पेपर शुरू किए जाएं, जिसमें बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय के अंदर प्रवेश दिया जाए। आज से शुरू हुई खामखेड़ा रोड उत्कृष्ट विद्यालय केंद्र में 12वीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों के सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए और जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शिक्षकों का अभी स्कैनिंग कर अंदर जाने को कहा। इस मौके पर केंद्र अध्यक्ष और शिक्षित उपस्थित थे। स्वास्थ्य कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। से गाँव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज की परीक्षा के लिए मेरे केंद्र पर शासकीय बालक उमावी सेगांव में 30 बच्चे दर्ज हैं, जिन्हें 2 कक्षों में 15-15 करके सोशल डिस्टेंस से बिठाया गया है, व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। आपका शुभ नाम? मैं एस के साना, सेक्टर सुप्रिंटेंडेंट शासकीय उमावी सेगांव। आज यहां पर 9 जून हायर सेकेंडरी की एग्जाम चालू हुई है, जिसके तहत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी बच्चों को, करीबन 100 बच्चे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी बच्चों को अंदर प्रवेश दिया। सर कितने बच्चे उपस्थित थे? यहाँ पर करीबन 19 बच्चे उपस्थित थे। सर कोई थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ था किसी का? सभी का टेम्परेचर नॉर्मल पाया गया, सभी बच्चे स्वस्थ। क्या नाम लिखता? डॉक्टर राहुल पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।